इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई एप्रिसिएशन के बारे में, क्या कहता है। सो अंडर आई ए 16 दी डेप्रिसिएशन इज ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट। हर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट होगी टोटल कॉस्ट से, उसको हम सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट इज जो भी डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स पे चार्ज किया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन एक्सपेंस। यूजुअली हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, बट समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट इन ए स्टेट ऑफ चार्जिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। अब ऐसा कब होता है? जब आप एक एसेट को इस्तेमाल करते हैं दूसरे एसेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उस बिल्डिंग को यूज बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक मशीन या क्रेन इस्तेमाल हो रही है। अब क्रेन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं होगा, बल्कि उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में जो कॉस्ट होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। As far as depreciable amount and depreciation period is concerned, जो भी depreciable amount होगा, depreciable amount होता है original cost minus scrap value if any, जो भी depreciable amount होगा shall be allocated on a systematic basis over its useful life. जो भी depreciable amount होगा उसको हम एक system के जरिए उसकी useful life पर spread करेंगे। Residual value and useful life shall be reviewed at least at each year end. Har saal useful life ko, residual value ko review kiya jayega. Aur agar expectation differ karti hai from previous estimates se, kyunki ye estimates hote hain, to usko hum under IAS 8 change in accounting estimate policy and errors ke against prospective treatment mein record karenge. Depreciation start कब से होगा? Depreciation of an asset begins when asset is available for use rather than when asset is purchased. So आपने एक asset खरीदा या asset construct किया, जब वो available for use condition में आएगा depreciation process start हो जाएगा। Depreciation of an asset ceases जब asset derecognized हो जाए या earlier of the date asset is classified as held for sale or the date the asset is derecognized. क्योंकि under IFRS 5 जब asset derecognized held for sale classify होता है तब भी depreciation का process रुक जाता है। Depreciation does not cease when the asset become idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated. तो sometimes ये भी होता है कि हम asset को कुछ time के लिए use करना छोड़ देते हैं, abandon कर देते हैं, in that case depreciation process will be continued. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या यूज होगा? आई ए 16 क्या एडवाइस करता है? मेथड जो भी यूज किया जाएगा शल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। सो देयर माइट बी स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि एक एंटिटी ऑप्ट कर सकती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो सकता है, प्रोडक्शन मेथड हो सकता है, मशीन आवर मेथड हो सकता है, सो एंड सो ऑन एज पर द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। डेप्रिसिएशन मेथड जो भी इस्तेमाल होगा शल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच ईयर एंड एंड इफ देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एन एसेट द मेथड शल बी चेंज। मेथड चेंज किया जा सकता है एंड चेंज इन मेथड इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और अंडर आई एस 8 उसको हम प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करेंगे।